बाल्को प्रबंधन और भारतीय खान ब्यूरो ने लहरों के साथ साथ नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। लगभग एक घंटे के कार्यक्रम में अद्भुत प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि प्रभावों का इस्तेमाल कर छत्तीसगढ़ में प्रचलित पौराणिक गाथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया गया। कार्यक्रम को देखने बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ पड़े। भिलाई के शिप्रा विजन की ओर से प्रस्तुत लहरों के साथ साथ नामक कार्यक्रम में सरगुजा में भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास काल, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और मेघदूतम के रचयिता कालिदास के आगमन और विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ के विषय में प्रचलित अनेक किंवदंतियों और ऐतिहासिक घटनाओं को नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वायु मेघ सबकी गति है शून्य, क्योंकि आज भगवान राम स्वयं आ पहुंचे हैं सरगुजा के गिरी प्रांतर में। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित नाट्य मंडप सदृश है। दीवारें सीधी, प्रवेश द्वार गोलाकार, गुहा के भीतर है तीन स्तर का बना रंगमंच, तीनों मंच एक दूसरे से ऊंचे। रंगारंग गीत संगीत और नृत्य के माध्यम से बस्तर, खरौद, राजिम, रायपुर, सिरपुर आदि ऐतिहासिक स्थलों के अलावा कलचुरी, सोम और नागवंशियों के इतिहास से भी नागरिक परिचित हुए। बड़ी संख्या में बाल्को अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। क्या तुमने देखा मेरी प्रिया यक्षिणी को? संताप के इन क्षणों में वो विरह तकता तिड़काए हो चुकी होगी, पलक नेत्रों से प्रतीक्षा करती होगी मेरी, पर नियति के क्रूर निर्णय की बलि वेदी ने इस निर्मम सत्य से अवगत करा दिया कि मेरे प्रणय पथ में मिलन भी प्रगल्भता नहीं, विरह की निरवता है। अभिनंदन का एंगेजमेंट बहुत अच्छा था। मैं अगर सच बोलूं तो पहली बार ऐसा कोई मतलब मौका मिला, जिसे मोस्टली क्या होता राजस्व वगैरह में जाते हैं जब स्टेज हमको बनाए हुए नहीं मिलते, फिर उनको दौड़ भाग करके बनाने पड़ते हैं। पहली बार ऐसा मौका मिला कि सारे स्टेज हमारे आने के पहले बन चुके थे, और इसके लिए हमको काम इतना आसान हो गया। नहीं तो होता है कि स्टेज बनानी है, पहले स्टेज बनाओ उसके बाद फिर लाइट फिट करो, तो हमको बहुत तकलीफ होता था। इस बार ऐसा मौका नहीं मिला, पहली बार मतलब पहली बार ऐसा हुआ। दिल्ली में जो किए थे तो वो अलग बात है, लेकिन ये पूरे राज्य में जहाँ भी किए, पहला ऐसा मौका है जो पूरा स्टेज हमको बनाने मिले। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है।